अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर यस मैम, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल चाल है सबके ईद कैसी गुजरी सबकी मैम, आप आप सुनाएं। बताएं। आप लोगों की आवाज मुझे बड़ी कम आ रही है। आप लोगों को मेरी क्लियर है आवाज? यस मैम, यस आपकी मैम। आवाज क्लियर। अच्छा अच्छा अभी मैंने ना वो जो पहले की हम लोगों के रमजान में टाइमिंग हुई थी और सारे स्लॉट्स वो थे, उस वजह से मैंने LMS के ऊपर सारी मीटिंग्स अरेंज कर दी थी। लेकिन आज से स्टार्ट हुआ, मेरा तो ऑफ था कल, तो आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो मैं इंशाल्लाह आज ना, अभी तो मैंने आपको ईमेल कर दी है, तो जिसको ईमेल नहीं रिसीव हुई है अगर देख लें, अगर मुझे अब ये नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से सबको ईमेल की है, जिसको अगर नहीं ईमेल रिसीव हुई हुई तो काइंडली एक दूसरे को शेयर कर दें, आप लोगों का अगर कोई है तो, सर्कल पर रह गया है तो। और इसके बाद जो है ना, मैं जूम के ऊपर इंशाल्लाह, सॉरी LMS के ऊपर जो है ना वो बना दूंगी नई स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली सारे जो क्लासेस का है ना, तो आपके वहां से कर लेना। ठीक है, अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने मैमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि व्हाट इज मैमोग्राफी, हमने स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि इसको मैंने तीन लेक्चर में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैमोग्राफी के कुछ मशीन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग उसकी कुछ एनाटॉमी पढ़ेंगे। ब्रेस्ट मैमोग्राफी बेसिकली किस लिए की जाती है? मैमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट स्कैनिंग है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सोर्स या एक्सरेज को यूज करते हुए हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट मेमोग्राफी में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट की एनाटॉमी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेमोग्राफी अभी पढ़ा था, तो मेमोग्राफी इज बेसिकली फॉर द ब्रेस्ट, उसकी स्कैनिंग करते हैं। अब हमें उसकी एनाटॉमी थोड़ी पता होनी चाहिए, ताकि हम लोग अगर ब्रेस्ट मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें कौन सी चीजें किस तरह की नजर आती हैं, क्या उनका रेडियोग्राफिक इफेक्ट्स हैं, क्या उनकी विजुअलाइजेशन है, कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें डेंस नजर आते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हमें जो हैं वो एनेक्विक नजर आ सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर हमें ग्रे नजर आते हैं, ये वो सारी जो है ना वो हम लोग अकॉर्डिंग टू द ब्रेस्ट एनाटमी जो है वो हम लोग फिर उस फिल्म के ऊपर रीड करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले हम लोगों को उसकी एनाटमी पता होनी चाहिए, देन फिर लास्ट जो हम लोगों का मेमोग्राफी का लेक्चर मतलब है, जो मैंने आपको बताया थर्ड लेक्चर है, वो मैंने क्लिनिकल सारा बनाया हुआ है कि क्लिनिकली जो है वो हम लोग किस तरह कौन कौन से डिजीजेज हैं जिनको हम मेमोग्राफी पे देख सकते हैं, कौन सी नहीं है जिनको हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं, व्हाट आर बाय रेट्स, ये सारी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं वो हम लोग थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर है इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट एनाटमी, कि आपको ब्रेस्ट एनाटमी का पता है। हर अगर इमेजिंग मोडेलिटी जितनी भी है ना, अल्ट्रासाउंड हो गई, मेमोग्राफी हो गई, एक्सरेज हो गई, जितनी मोडेलिटीज हैं उसके लिए बीइंग इमेजिंग स्टूडेंट में हर दफा ये कहती है योर योर एनाटमी शुड बी बेस्ट, ठीक है। आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए एनाटमी, आप लोगों ने विजुअलाइज करना है, आपने देखना है। जब आपको नॉर्मल चीजों का पता है कि नॉर्मल चीजें लुक्स लाइक दिस, इसकी डेंसिटी इतनी है, ये डेंस है या एनिक्विक है या लिक्विड है या सॉफ्ट है या इसके सराउंडिंग में ये स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आपको नॉर्मली तो पता चल जाएगा, तो आप एबनॉर्मल को फौरन डिटेक्ट कर सकते हो, फौरन पिक कर सकते हो, ठीक है। तो एनाटमी आप लोगों ने हर ऑर्गन की, हर स्ट्रक्चर की जो है ना बेस्ट बनानी है अपनी। इसको रीड कर लो, इसको रट्टा लगाओ, कुछ भी करो, एनाटमी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए देखनी, बिकॉज हर चीज आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। आपको यही नहीं पता कि ये चीज यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, इसके सराउंडिंग में क्या स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं और इन स्ट्रक्चर्स की क्या कंसिस्टेंसी है, किस तरह के वो डेंस हैं या किस तरह के हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उस इमेज को रीड कर सकते हैं। जब हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर ये वाला है और उसकी डेंसिटी इस तरह की होती है, और हमने ये चीज शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि हमारे जो डेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह के नजर आते हैं, एनिक्विक स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह के नजर आते हैं, तो ये वह सारी चीजें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट एनाटमी की। ब्रेस्ट एनाटमी की शेप और साइज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट में शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। प्लस 50 में जो है उनका स्ट्रक्चर्स काफ़ी डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें फैट आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो यंगर एजेस होते हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यूज ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, वो डेंस ब्रेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना एज ग्रुप के
अकॉर्डिंगली उनकी शेप और जो उनका साइज है वो वेरी करता है. ब्रेस्ट इज अ कोन शेप विद अ पोस्टीरियर सरफेस बेस जो कि हमारे मसल्स के ऊपर लाए करता है पोस्टीरियरली. उसका जो बेस बनाते हैं वो कौन से मसल हैं, एक तो पेक्टोरलिस और सेरेटस मसल्स. अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये हमारे पास ब्रेस्ट है, ठीक है. देन एक्सिलरी टेल्स एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल बेस ऑफ द ब्रेस्ट टू द एक्सिलर एक्सिलरी फोसा. ये एक्सिला के अंदर ये जो है एक्सिलरी टेल जो है ये जा रही है. इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जब भी हम कुछ स्कैन करते हैं तो हमने एक्सिला को भी देखना होता है. क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, समटाइम्स एनलार्ज हो जाते हैं, तो वो हम लोगों को उनको भी इन्वॉल्व करना होता है. तो एक्सिलरी टेल और एक्सिला जो फोसा है मतलब ये रीजन को हम लोगों ने देखना इज जरूरी है, ठीक है. तो हमारे पास बेस पे कौन से मसल आ गए, एक तो हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर और एक पेक्टोरलिस माइनर. और इस साइड पे अगर हम लेटरल साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेरेटस इंटीरियर. ये तीन मसल मिलके हमारे पास बेस बना रहे हैं किसकी, ब्रेस्ट की. टेपर इंटीरियर फ्रॉम द बेस एंडिंग इन द निपल सराउंडिंग बाय एरियोला, ठीक है. ये उसकी शेप बता दिया किस तरह वो बेस से निपल की तरफ एक्सटेंड करते हुए हमारे पास स्ट्रक्चर यूं राउंडेड सा बनाएगा. अब फीमेल ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 टू 20 लोब्स डिवाइडेड इनटू सेवरल लोब्यूल्स. डिफरेंट लोब्यूल्स हैं वो आगे लोब्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है. ये आप अगर इमेज पे देख रहे हो तो ये ग्रीन ग्रीन आपको इसके अंदर से नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन लाइंस है दीज आर लोब्स, ठीक है. फिर उनके दरमियान जो आपको ये जो इस तरह के ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर नजर आ रहे हैं दीज आर लोब्यूल्स. वो सब मिलके जो है वो क्या कहते हैं, लोब्यूल्स मिलके लोब आगे मिलके किस तरह डक्ट्स बनाते हैं, डक्ट्स फिर आगे डक्ट्स में सारा ब्रेस्ट जो है वो आगे निपल की तरफ को जाता है. तो डिफरेंट हमारे पास 15 टू 20 लोब्स होते हैं डिवाइडेड इनटू सेवरल लोब्यूल्स जिसके अंदर ब्रेस्ट जो है वो बनता है, ठीक हो गया. लोब्यूल्स कंटेन एसिनी ड्रेनिंग डक्ट्स एंड इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. बाय टीनेज years each breast contains hundreds of lobules. इसीलिए मैं कहती हूँ जिस तरह एज ज्यादा होती जाती है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता जाता है, ठीक है. जो यंगर एजेस होती हैं उनके ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यूज ज्यादा होते हैं, वो डेंस होते हैं, उनके अंदर लोब्यूल्स ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया. अच्छा, अब ये एक दो मैंने इमेजेस लगाए हुए हैं जस्ट फॉर द एनाटमी. आपको अगर इस तरह की स्पॉटिंग आती है तो यू शुड नो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है. ए हमारे पास ये जो आपको नजर आ रही है रेड कलर की, ये हमारे पास डक्ट है. बी हमारे पास क्या है, डक्ट के पीछे देख रहे हो ये जो यूं फ्लावर टाइप से बने हुए, दीज आर लोब्यूल्स, ठीक है. सी हमारे पास क्या है, ये आगे डायलेटेड सेक्शन ऑफ द डक्ट टू होल्ड द मिल्क. अगर आप गौर करो तो ये डायलेटेड है थोड़ी सी आगे से, ठीक है. फिर हमारे पास डी इज द निपल. फिर हमारे पास ई आ गई हमारे पास फैट. ये आप अगर पीछे देख रहे हो तो हमारे पास ये फैट है, ये येलो कलर की, ये और ये, ठीक है. येलो हमारे पास फैट है. फिर हमारे पास बेस पे आ जाओ एफ पे, तो ये हमारे बेस पे कौन से मसल्स हैं, दो हमारे मसल्स हैं जो कि बेस बना रहे थे. पेक्टोरलिस मेजर मसल है जो बिल्कुल पोस्टीरियरली पड़ा होता है, और जो पेक्टोरलिस माइनर है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक हो गया. फिर हमारे पास क्या है, चेस्ट वॉल, ये, ठीक है. जी जो है वो हमारी चेस्ट वॉल है. अगर हम इसके दरमियान देखें तो ये हमें जो राउंड राउंड से नजर आ रही है दीज आर बोन्स, ठीक है. ये हमारे जो चेस्ट की जो रिब्स हैं वो उनको अगर यूं कट सेक्शन में हमने देखे लेटरल व्यू है तो दीज आर रिब्स, ठीक है. ये इंटर कॉस्टल स्पेसिस हैं इसके दरमियान. आगे मसल आ गया. देन ब्रेस्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके अंदर. अच्छा, उसके बाद उन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर के जो है ना एक पिक्चर दिखाई हुई है किस तरह इसको कट सेक्शन में इनलार्जमेंट उसकी दिखाई हुई है कि ए इज द नॉर्मल सेल, बी इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है. ये यहाँ पे और दरमियान में ये हमारे पास वाइट जो है ना ल्यूमन है, ठीक है. ब्रेस्ट का प्रोफाइल समझ आ गया. अच्छा, कुछ उसके उसके अलावा हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ जैसे मैंने बताया था कि एक्सिलरी नोड जो हमारे एक्सिलरी टेल है उसके अंदर कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है. लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे लार्ज हो जाते हैं, दैट्स वाई हमें एक्सिला को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेक्टोरलिस मेजर मसल है ये ए वाला, ठीक है, ये जो आप ये यहाँ देख रहे हो, ठीक. बी हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे से राउंड राउंड से, ठीक है. फिर हमारे पास सी आ गया, क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड लेवल. यहाँ पे एक्सिला के लेवल पे यहाँ पे ज्यादातर लिम्फ नोड्स होते हैं, और देख रहे हो यहाँ पे भी इनलार्जमेंट हुई हुई है, ये नॉर्मल हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है. फिर हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स पड़े हुए. फिर हमारे पास इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, ठीक है. ये डिफरेंट हम लोगों ने इसको वो कर दिया. अच्छा,
अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेस्ट को जो है वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जब भी हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं या मेमोग्राफी करते हैं, इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट को जब भी किसी लीजन को हम लोगों ने डिफाइन करना है ऑन अल्ट्रासाउंड, सॉरी बेटा आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, मेरी छोटी सी बेटी है 6 मंथ की है, ठीक है, आज उसको मैं साथ यूनिवर्सिटी लाई हूँ, क्लासरूम में आप लोग तो होते नहीं खाली क्लास में, तो वो मेरे साथ यहाँ पे वो शोर कर रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है क्लास को, तो अगर आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही हो तो मुझे बताओ। मैम इट्स ओके, वो बहुत छोटी है, 6 महीने की है, तो मुझे उसको साथ लेके आना पड़ा है, तो इस वजह से जो है ना, अगर सॉरी वो उसको मैं चुप करा रही हूँ, चुप नहीं कर रही, वो और शोर कर रही है। अच्छा, फिर हम लोगों ने, मैंने बताया कि ब्रेस्ट को हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जब भी हम लोग कोई भी रिपोर्ट करेंगे ना, तो हम लोग इन क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेंट्स और क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी मैं कैमरा ऑन करके आपको ना दिखाती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे बना हुआ है, चलो यहाँ से देख लो। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, और ये क्लॉकवाइज अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये 12 o'clock, ये 6 o'clock, ये 3 o'clock और ये 9 o'clock, समझ आ गई, ठीक है, और ये क्वाड्रेंट्स आ गए 4। जब भी हमने कभी भी रिपोर्ट करनी है तो हमने उस क्वाड्रेंट और उस लेवल के ऊपर उस लीजन को डिफाइन करना है। कैसे, एग्जांपल देते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोगों को ब्रेस्ट क्वाड्रेंट एंड ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया हुआ कि किस क्वाड्रेंट में पॉसिबिलिटी है इसके ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा होने की, ठीक है। 50% जो है वो राइट हमारे पास। अच्छा, इन क्वाड्रेंट्स के क्या नाम है, अपर राइट क्वाड्रेंट, क्या इसको कह लो कि आउटर क्वाड्रेंट या इनर क्वाड्रेंट, ठीक है, या फिर हम लोग कह लो लेते हैं मीडियल क्वाड्रेंट या लेटरल क्वाड्रेंट, इसको कुछ भी कह लो, ठीक है, डिफरेंट नेम्स है। या ये अपर वाले 2 है और ये लोअर वाले। अब लोअर वाले 1 हमारे पास मीडियल है, 1 हमारे पास लेटरल है, ये मीडियल है, ये लेटरल है, इसको इनर वाला कह लो, मीडियल वाला कह लो, इसको जो है आउटर वाला कह लो, लेटरल वाला कह लो, लेकिन हम लोगों ने कहना क्या है, दिस वन इज द लोअर लेटरल क्वाड्रेंट, दिस वन इज द अपर लेटरल क्वाड्रेंट, दिस वन इज द अपर मीडियल क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द लोअर मीडियम क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। अब आप इसको लोअर इनर क्वाड्रेंट कह दो, मीडियम क्वाड्रेंट कह दो, दोनों सेम है, ठीक है, ये कुछ भी कह दो। ये आउटर क्वाड्रेंट नहीं होगा क्या मैम, ये 11% है, ये आउटर क्वाड्रेंट नहीं होगा ये। हाँ ना, वो उन्होंने ये वाला ब्रेस्ट दिखाया है ना, ये वाला हमारा कौन सा वाली साइड का है, ये राइट साइड का, तो ये आउटर हो गया। ये अगर अगर हम अगर जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है तो हमारा जो इनर साइड है वो ये वाली होगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब आप किसी भी ब्रेस्ट राइट साइड पर रखते हो, लेफ्ट साइड पर रखते हो, अकॉर्डिंग टू द मीडियल और लेटरल पोजिशन हमने अपर और लोअर को डिवाइड कर लेना है। नेम की समझ आ गई किस तरह हमने क्वाड्रेंट को बताना है, ठीक है। देन आ गए हमारे पास टाइमिंग्स। अब ये मैंने आपको बताया दिस इज 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, ठीक है। अब हमने ये इसको क्लॉकवाइज इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि हमने लीजन को एग्जैक्टली उस लोकेशन पे बताना है रिपोर्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 12 के बाद यहाँ 1 और यहाँ 2 एंड देन 3, अगर कोई लीजन इस जगह पड़ा हुआ है 1 o'clock पे, तो उसको कैसे बताओगे अ लीजन अकॉर्डिंग टू डैट डेंसिटी। अब उस लीजन को हम कैसे बताएंगे कि द लीजन इज हाइपर इक्विक, हाइपो इक्विक, एन इक्विक, विद पोस्टीरियर शेडोइंग, जो भी उसके जिस तरह की भी अपेयरेंस होगी, हम उस लीजन को उसकी अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हुए, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर तो हमने यूं बताना है, या फिर हम लोग इसको रेडियो ओपेक या रेडियो डेंस, जिस तरह भी उसकी डेंसिटी होती है, एक्सरे के ऊपर इस तरह डिफाइन करेंगे, द लीजन इज लोकेटेड एट 1 o'clock इन द अपर इनर क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, समझ आई, ठीक है। अब मैं अगर किसी से पूछूं, अब मुझे कोई बताए इस जगह पे 8 o'clock पोजीशन पे एक लीजन पड़ा हुआ है, उसको कैसे डिफाइन करोगे इस जगह पे। द लीजन इज एट द लोअर आउटर क्वाड्रेंट, ये इनर साइड हो गई ना, मीडियन साइड, यस मैम, ठीक है। द लीजन इज लोकेटेड, आपने बस अपने उस पे इसके ऊपर मत जाओ, बस आपको समझ आ गई ना कि 2 इनर है, 2 आउटर है, 2 अपर है और 2 लोअर है, ठीक है। अब पहले वो बता दिया,
कि कौन से क्वाड्रेंट में है, देन उसका हमने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी एट 8 o'clock, एट 6 o'clock, एट 3 o'clock, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन हमने बता दी, ठीक है। अब हम जब भी किसी लीजन को जब भी लोकेट करेंगे ऑन रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट के ऊपर इसी तरह इन क्वाड्रेंट्स के ऊपर लिखना है। अच्छा, अब ये जो दिखाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ना जो हमारा इनर अपर क्वाड्रेंट है 50% चांसेस है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के होने के ज्यादा चांसेस है, बाकी के अंदर 16, 11 and 8%। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, जिस तरह के मैंने आपको बताया कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं इसके अंदर। ग्लैंडुलर कौन कौन से हैं, हमारे पास डक्ट्स हैं, लोब्स हैं और लोब्यूल्स हैं, जो स्ट्रोमल सेल्स से बनते हैं, जो स्ट्रोमल जो पैरेन्काइमा का फंक्शनल सेल है, यूनिट है, वो हमारे पास स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है। वो वाले स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, फैटी टिश्यू है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू है, कूपर्स लिगामेंट है, ये तीन जो है हमारे पास स्ट्रोमल जो है ना वो सेल से बनते हैं, और जो ग्लैंडुलर जो है वो हमारे पास डक्ट लोब्स या लोब्यूल्स हैं, ठीक। अगर आप विद एज इनके साइजेस देखो और इनके अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर ये देखो, तो आपको समझ आएगी कि एडोलेसेंट के अंदर किस तरह जो है ना ब्रेस्ट होता है। एडोलेसेंट एज कौन सी होती है, हमारे पास 10 से 19 ईयर की जो एज होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंट एज है, ठीक है। उसके अंदर हमारा ब्रेस्ट देख रहे हो उसका इस तरह क्या अपीयरेंस होता है, प्रेगनेंसी के अंदर ये देख रहे हो, रिप्रोडक्टिव हमारे पास ब्रेस्ट है, दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर लोब्यूल्स देख रहे हो आप सारे। फिर हमारे पास मीनोपॉजल के अंदर किस तरह फैट जो है वो ज्यादा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू हमें बताया ना कौन कौन से हैं, लोब्यूल्स हैं, डक्ट्स हैं, ठीक है, लोब्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है ना वो हमारे पास विद एज, अब मीनोपॉजल के बाद जो है ना उस एज के अंदर फैट की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है, फैटी ब्रेस्ट बन जाता है और उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू कम होते जाते हैं। उससे पहले आप अगर आप देखो तो कैसे उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, फाइब्रोग्लैंडुलर ब्रेस्ट। ह्यूमन ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू व्हिच इज हाईली रेडियो सेंसिटिव। अब मैंने आपको बताया था कि कितना रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि मोर रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है। तो वो अब हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे पास आ गए एक फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट, मेल के अंदर टेस्टिस, उसके अलावा हमारे थायराइड। अब जब हम ज्यादा रेडिएशन में काम कर रहे होते हैं तो हमने एक तो लेड एप्रन तो पहनना ही है, लेड एप्रन आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना वो आपको कवर फ्रंट से कर देता होता है, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि एंजियोग्राफी जिस तरह हम कर रहे हैं वहाँ पे हमने कंटिन्यूस रेडिएशन देनी है, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी का मैंने आपको बताया था, डायनेमिक इमेजिंग होती है, उसके अंदर हम कंटिन्यूस एक्सरेज को जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, तो एक्सरेज जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, एक्सरे फिल्म का इमेज तो एक स्टैटिक इमेज है ना, आपको इमेज बन गया एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके अंदर कंटिन्यूस रेडिएशंस मिल रही हैं, तो उसमें क्या होता है, लेड एप्रन तो आपने पहने ही पहने, और हमारी बॉडी के रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स, हमने थायराइड के लिए एक कॉलर होता है, लेड का ही बना होता है, वो कॉलर हमने पहनना होता है, ठीक है। हमने अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए ग्लासेस होती हैं डिफरेंट, ठीक है। वो आप उस रूम में जाओगे तो आपको वहाँ पे ये सारी चीजें मिलेंगी, जब आपने इस रूम में काम करना है तो आपने लेड एप्रन पहनना है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट हो गया, मेल में टेस्टीज हो गई, और इसके अलावा हमारा थायराइड हो गया, ठीक है, और हमारे ग्लैंड जितने हैं जो हार्मोनल ग्लैंड जितने भी होते हैं वो हमारे रेडियो सेंसिटिव होते हैं, क्लियर हो गई बात। एवरेज डेंसिटी 50% फैट एंड 50% फाइब्रोग्लैंडुलर, ये कि एक नॉर्मल ब्रेस्ट के अंदर फैट भी होती है और फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू भी होती है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर आर लेस प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर, स्पिंस्टर्स आर मोर प्रोन टू इट। अब क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से ही है, प्रेगनेंसी में और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, फीडिंग जो फीड करवा रही होती हैं, अब उसके अंदर एक हार्मोन्स, आपको पता है कि उसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो काम कर रहे होते हैं,
जितना फंक्शन उनका हॉर्मोन का वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस उसके लिए वो हमारे पास एक प्रोटेक्शन, एक अल्लाह ताला ने एक बना दिया कि वो हमें इन डिजीजेस से एक मदर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनमें लेस चांस होते हैं प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर में ब्रेस्ट कैंसर के होने के। अच्छा, फैटी ब्रेस्ट मैंने आपको जिस तरह बताया था, विद एज अबव 50 जो है वो हमारे पास जो है फैट डिपोजिशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर, और उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है वो हमारे कम हो जाएंगे। अब फैट हमारी सॉरी इसके ऊपर एक्सरेज के ऊपर किस तरह की नजर आती है, वो ब्लैकिश नजर आती है, अकॉर्डिंग टू, वो बहुत ब्लैक भी हो सकती है, वो ग्रेइश ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा वो हम लोगों को फैट वहां पे नजर आ रही है। अच्छा, फैट इज द मिनिमल डेंसिटी, इसीलिए हमें डार्क नजर आती है। वुमेन 50 एंड ओल्डर जो है ना उसके अंदर जो ब्रेस्ट है वो फैटी ब्रेस्ट होता है। पोस्ट मीनोपॉजल मैन एंड चिल्ड्रन के अंदर भी हमारे पास ब्रेस्ट जो है वो फैटी हो सकता है। अब इसको करने के लिए हमारे पास कुछ पोजीशनिंग, ठीक है, ठीक है। अब हम इनको स्कैन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पोजीशनिंग है। अब हमने क्वाड्रेंट्स में तो डिवाइड कर दिया जब हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें इनकी पोजीशनिंग भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से व्यूज हैं जो कि हमने हर दफा लेने हैं स्क्रीनिंग में या डायग्नोस्टिक में। लास्ट में मैंने मेमोग्राफी में आपको बताया था कि जो है ना कुछ हम लोग स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करते हैं, कुछ हमारी डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी होती है। स्क्रीनिंग कौन सी होती है? एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी से कहते हैं। और स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के अंदर दो व्यूज लेने बहुत, हर व्यू के लिए मैंने बताया था दो व्यू लेने जरूरी होते हैं, इसलिए इसमें भी हमारा दो व्यू कौन कौन से हैं रूटीन इमेजेस के, एक हमारा सीसी, एक हमारे पास एमएलओ। सीसी क्या है? क्रेनियो कॉर्डल, ऊपर से नीचे तक हम इसको देखते हैं। अब हम इसको आगे इमेज में देखेंगे कि हमारा क्रेनियो कॉर्डल व्यू बनता कैसे है, पेशेंट की पोजिशनिंग कैसे करते हैं हम इसके लिए, और हमारी जो रेज है एक्सरेज है वो हमारी किस जगह पे होंगी। अब मैंने आपको बताया था कि पीए व्यू के अंदर, एपी व्यू के अंदर जो चीज आपकी पहले यूज वर्ड हो रहा है उस तरफ हमारी क्या होती है? रेज होती है, उस तरफ से एंटर होती है, और उसके दूसरी साइड पे हमारी फिल्म पड़ी होती है जिसके ऊपर इमेज आता है, ठीक है। पीए व्यू के अंदर क्या होता है? पोस्टो एंटीरियर व्यू के अंदर किस साइड पे हमारी रेडिएशन रेज है एंटर हो रही है? पोस्टीरियो एंटीरियर जो आप बता रहा है पी ए व्यू, पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पे जो रेडिएशन है वो पास करेंगी। अब पोस्टीरियर साइड से हमारी रेज एंटर हो रही है और एंटीरियर साइड पे फिल्म पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब हम लोग एंट्रो पोस्टीरियर करेंगे तो एंटीरियर साइड से रेज एंटर होंगी और हमारे पोस्टीरियर साइड पे फिल्म पड़ी हुई है। इसी तरह क्रेनियो कॉर्डल में पहला वर्ड क्या आ रहा है? क्रेनियो। क्रेनियो क्या मतलब? हेड साइड। कॉर्डल फुट साइड। अब हमारे क्या है? ब्रेस्ट के फुट साइड, जैसे हम ब्रेस्ट के बिल्कुल अगर नीचे रखें फिल्म को और ऊपर से हम इसकी रेडिएशन दें, ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा भी बन जाएगा? क्रेनियो कॉर्डल। क्रेनियो मतलब हेड साइड से हमारे जो रेज है वो एंटर हो रही है और फुट साइड कॉर्डल साइड पे हमारी फिल्म पड़ रही है। एमएलओ क्या है? मीडियो लेटरल ओब्लिक, थोड़ा सा ओब्लिकली हम पेशेंट को खड़ा करते हैं और इसकी पोजिशनिंग करते हैं और मीडियो लेटरली हम लोग जो है ना इसका एक ओब्लिक इमेज बनाते हैं। दिस इज द रूटीन इमेजेस दो जो लेने जरूरी होते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। एडिशनल व्यूज वो होते हैं जहाँ पे अब हमें पता है कि कोई एक एबनॉर्मेलिटी नजर आ गई है, जो कि इन दो व्यूज में तो नजर आ ही रही है, अब उनको फर्दर हमने रीड करना है, उनको फर्दर हम लोगों ने पढ़ना है, तो हम लोग उसके कुछ एडिशनल व्यू लेंगे। वो एडिशनल व्यू हमारे पास ट्रू लेटरल व्यू भी हो, ठीक है, वो तो हमारे पास एक तो हो गया ना मीडियो लेटरल, वो ओब्लीक व्यू है थोड़ा सा, ट्रू लेटरल तो है नहीं और हमें ज़रूरत नहीं होती रूटीन में, ये दो व्यूज रूटीन में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ट्रू लेटरल व्यू, लेटरो मीडियल ओब्लीक, पैडल कंप्रेशन व्यू, मैग्नीफिकेशन व्यू, टेंजिनल व्यू, क्लेवेज व्यू, एक्सिलरी व्यू, ये सारे व्यूज हमारे पास एडिशनल व्यू हैं। और इस इमेज में अगर आप देखो तो इनकी पोजीशनिंग बता दी हुई है कि अगर जहाँ से आपको एरो बता रहा है ना, एरो
ठीक है, वो एरो बता रहा है कि इस साइड से रेडिएशन जा रही है और इस साइड से हम लोगों ने एक्सरे ट्यूब को रखना है और दूसरी साइड पे हमारे पास फिल्म पड़ी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे ये डिटेक्ट होंगे। क्लियर हो गई, समझ आ गई बात की? अकॉर्डिंग टू डैट नेम जो है ना वो हमने इसको, ये आप देख लो इमेजेस को गौर से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर किस तरफ से रेडिएशन एंटर हो रही है एरो के अकॉर्डिंगली और किस साइड पे हमारी फिल्म पड़ी हुई है। ठीक हो गया। ये क्रेनियोकॉर्डल जो मैं आपको बता रही थी उसकी पोजीशनिंग की हुई है, ये हमारे पास एक्सरे के जो ट्यूब ऊपर से रेडिएशन है सीआर कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी, ये यहाँ से यू एंटर होती है, ये नीचे हमारे पास कैसेट पड़ी हुई है जिसके ऊपर इमेज जो है वो रीड होगा, ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो कंप्रेशन कुछ डिवाइसेस हैं जो कि ब्रेस्ट को कंप्रेस, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके कुछ फंक्शंस बताए थे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्रेशन डिवाइसेस, के वो इक्वल कर देते हैं, अनइवन हो जाते हैं हमारा ब्रेस्ट, रेडिएशन कम लगती है, ठीक है, वो सारे हमने फंक्शंस में पढ़े हैं। तो ये हमारे पास कंप्रेशन डिवाइस है जो इस ब्रेस्ट को कंप्रेस करेंगी एंड बिल्कुल एक फ्लैट इसको बना देंगी और उसके बाद हम इस यहाँ से रेडिएशन और फिर हमारे इस डिटेक्ट के ऊपर जो है वो जो है ना वो इमेज जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक हो गया। ये सीसी व्यू राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड का, ठीक है, ये इन्होंने बताया और ये आपको कुछ स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये क्या हो सकता है हम लोग जब पैथोलॉजीज पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। बाकी आपको इस तरह ब्रेस्ट के अंदर ये लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं, लोब नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये ब्लैक ब्लैक से बीच में फैट नजर आ रही है, ग्लैंडुलर टिश्यूज नजर, ठीक है, तो ये आपका क्रेनियोकॉर्डल व्यू हो गया। क्रेनियोकॉर्डल जो क्राइटेरिया है उसका क्या समरी है, आपको कोई जब भी आपने इसका व्यू बनाना है, नो मोशन, निप्पल इन द प्रोफाइल, मतलब कि आपको निप्पल भी नजर आनी चाहिए उस इमेज के ऊपर, ठीक है, और पर्टिनेंट एनाटॉमी डेमोंस्ट्रेटेड, टिश्यू थिकनेस डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, ठीक है, वो हम ब्रेस्ट कंप्रेशंस यूज कर रहे हैं, डेंस एरिया पेनिट्रेटेड, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड ऑप्टिमल रेजोल्यूशन, ये सारा चीजें नजर आनी चाहिए, इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास इमेज अच्छा बनेगा। एबसेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, मार्कर एंड पेशेंट आई डी विजिबल, ये हमारा क्रेनियोकॉर्डल व्यू की समरी होगी। Which projections are these? ठीक है, अब आपको ये वैसे ही हमें पता चल रही है, these are lateral, two lateral, देख रहे हो? ठीक है, what is the error? निपल नजर आ रही है? नहीं, क्लियर नहीं है, हमने पीछे बोला है कि उसमें नजर आनी चाहिए, ठीक है, बाकी जो है ना वो जो उसके समरी है, एक मिनट, ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा व्यू क्या था, मीडियो लेटरल ओब्लीक, मीडियो लेटरल ओब्लीक के अंदर हमने ब्रेस्ट को थोड़ा सा ओब्लीकली टिल्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद पोजीशनिंग इस तरह की हुई, एक एंगल देके हम लोगों ने उसको थोड़ा सा ओब्लीकली जो हमारा रेज है उनको हमने पेनिट्रेट करवाना है, ठीक है, तो रेज हमारी किस एंगल पे होंगी, 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग उस अपनी एक्सरे फिल्म को जो है वो रखते हुए इमेज क्रिएट करेंगे। टॉप ऑफ द कैसेट आई आर एट एक्सिला, कैसेट जो है वो एक्सिलरी रीजन पे होगी हमारी जहाँ पर डिटेक्ट होगा, कंप्रेशन अप्लाइड निप्पल इन द प्रोफाइल, ठीक है, वो आपको पूरे उसमें इमेज में नजर आनी चाहिए, मार्कर एट एक्सिला, आपने मार्कर इसका लगाना है और वो बहुत जरूरी है इमेजिंग में मार्कर का, ये क्या किया, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास व्यूज आ गए हैं किसके, मीडियो लेटरल ऑब्लीक। अब मीडियो लेटरल ऑब्लीक व्यू के अंदर आप देख लो एक्सिला जो रीजन है, एक्सिलरी फोसा जो हमारी एक्सिलरी टेल है वो ज्यादा क्लियर हो गई है, ठीक है, क्यों हम लोगों ने इसको मीडियल से लेटरल साइड पे ओब्लीकली टिल्ट किया था ना, तो इसके ऊपर देख रहे हो ये हमारी जो एक्सिलरी टेल है ये दोनों के अंदर वो इस व्यू के अंदर क्लियर हो गई है, ठीक है, जिस तरह हमने बताया था कि दोनों व्यूज रूटीनली हम लेते हैं और एक्सिलरी फोसा को हम लोगों ने देखना जरूरी होता है तो इस व्यू के अंदर वो ज्यादा अच्छा नजर आता है। अगर मैं पूछती हूँ कि व्हाई दिस व्यू इज नेसेसरी, इस व्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यू शुड नो कि हम लोगों ने जब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स देखने हो तो फिर हम इस व्यू को देखते हैं। ओके,
क्राइटेरिया वही जो उसमें है, कोई मोशन आर्टिफैक्ट्स नहीं आने चाहिए, मार्कर साइज वही सारी चीजें इसमें रिपीट की हुई है, वही क्राइटेरिया उसका आगे. ठीक है, ये एक्सिलरी टेल हमें इसमें नजर आ रही है, तो दिस इज एमएलओ. ये इसके अंदर कुछ हमें छोटा सा डॉट व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, दिस इज सम पैथोलॉजी, वो हम पढ़ेंगे. दिस इज ट्रू लेटरल. ठीक है, समझ आ गई ट्रू लेटरल के अंदर किस तरह बिल्कुल उसको किया हुआ है. अच्छा, अब हमने मशीन के अंदर पढ़ा था कि जितना छोटा फोकल स्पॉट साइज होगा उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी. ठीक है, अब मैग्निफिकेशन मेथड में क्या होता है कि हमने अब क्या करना है, किसी लीजन को देखना है बहुत अच्छे से. अब हमने उसको देखना है क्या है ये लीजन जो है वो हमारे पास किस क्या पैथोलॉजी है, उसको डिटेल में पढ़ना है, उसको मैग्निफाई करके पढ़ना है, उसकी रेजोल्यूशन बेहतर चाहिए. उसकी रेजोल्यूशन बेहतर चाहिए तो हम लोगों ने उसका फोकल स्पॉट साइज जो है वो 0.1 मतलब कि मिनिमम हमने उसका फोकल स्पॉट साइज रखना है. ठीक है, मैग्निफिकेशन मेथड डिफरेंट है इसके अंदर, डिफरेंट मशीन्स के अंदर 1.5 to 2 times एनलार्जमेंट जो है वो 1.5 times एनलार्ज हो जाता है वो लीजन या वो स्पेसिफिक एरिया जहां पे हम लोग मैग्निफिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं. ठीक हो गया, अच्छा मैग्निफिकेशन मेथड के अंदर क्या होता है, इट विल इंक्रीज ओआईडी इमेज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस. जो ऑब्जेक्ट है हमारा ब्रेस्ट और जो हमारे पास इमेज है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस. इस इमेज में देख रहे हो हमने एक डिवाइस रखी हुई है जो भी नीचे एक वो जो भी मतलब वुड का बना होता है वो डिफरेंट हमारे पास वहाँ पे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, चीजें पड़ी होती हैं रूम के अंदर, जब हमने कोई इमेज बनाना है तो वो हम उनको यूज कर सकते हैं. हमने वो जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस वो हमने कम कर दिया. ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मैग्निफाई हो जाएगा. ठीक है, अब तो ये तो एक समझ लो कि देसी तरीका है ना, अब तो हमारी मशीन्स के अंदर इस तरह के फंक्शन इतनी ज्यादा आ गए हैं कि हम उसको प्रेस करेंगे तो वो हमारे इमेज को मैग्निफाई कर देगा, ये हो जाएगा वो डिफरेंट हमारे जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं. तो ये हमारे पास एक समझ लो कि देसी मेथड है कि पहले हम लोग इस तरह करते हैं, ठीक, मैग्निफाई. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ओ आई डी ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस को रिड्यूस कर देंगे मतलब इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये जो इमेज है वो मैग्निफाई हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो फीमेल ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट कैंसर मेल के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉमन है, इतना कॉमन नहीं है, 100 times कॉमन जो है वो फीमेल्स के अंदर है, लेकिन 0.22% जो है ना वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि 0.22% जो है वो इसके चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के मेल ब्रेस्ट में भी होने के. ठीक है, दिस डिजीज इज 100 times मोर कॉमन इन वुमेन देन इट इज इन मेल. बिनाइन एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द मेल मेमोरी ग्लैंड अकर्स इन 40% ऑफ द मेल पेशेंट कैंसर. ठीक है, ये आपको इसके अंदर स्टैट्स बता दी है कितने परसेंट चांसेस हैं इसके कैंसर होने के, फीमेल में रेशियो ज्यादा है मेल में कम है, लेकिन होता इनमें भी कैंसर हो सकता है. ठीक है, फिर हमारे पास एक सुना होगा आपने कि गायनोकोमेस्टिया क्या होता है, इसमें क्या है कि ब्रेस्ट जो मेल ब्रेस्ट है वो लार्ज हो जाता है, समटाइम्स बोथ हो जाते हैं, समटाइम्स एक हो जाता है, तो वो क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं. नंबर वन इज द प्यूबर्टी हार्मोनल ग्रोथ या चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. एस्ट्रोजन एक्सपोजर मीन्स के जो फीमेल हार्मोन है समटाइम्स किसी जो मेल है उनके अंदर ये फीमेल हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो है वो हमारे जो इनके ब्रेस्ट हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं. ठीक है, तीसरा क्या है, बॉडी बिल्डर हॉर्मोन्स. कुछ हमारे देखे होंगे आप लोगों ने बॉडी बिल्डर्स को वो कुछ हॉर्मोन वो मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, एंड्रोजन एक्सपोजर होता है उनका. ठीक है, मेडिकेशंस हैं कुछ डिफरेंट जो है ना वो हमारे इनके प्यूबर्टी में हो गया या एस्ट्रोजन एक्सपोजर हो गया या कुछ मेडिसिन की वजह से उनके ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं. ठीक है, ये है क्या, इट्स अ बिनाइन मेल ब्रेस्ट, वो नॉन कैंसरस होता है,
बस एक एनलार्जमेंट हो जाती है बिनाइन की. सम मैन हु हैव प्रोमिनेंट ब्रेस्ट और अनइवन ब्रेस्ट ऑफन फील सम एम्बैरेसमेंट अबाउट देयर बॉडी इमेज. ऑब्वियसली जो है वो एम्बैरेसमेंट होती है इन इन मतलब पेशेंट्स में, इन मेल्स में, के कुछ जो है वो फिर सर्जरी करवाते हैं, कुछ जो है वो फिर बस ये क्या कह सकते हैं, कुछ हमारे कंजेनिटली इस तरह के, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि एस्ट्रोजन जो है वो उनका रेज हो जाता है, कुछ खुद करवाते हैं, कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो मेडिकेशंस के थ्रू और किस तरह होते हैं. ठीक है, तो ये इनमें भी कॉमन है. ठीक है, और उनके लिए भी हम लोग किस तरह स्कैनिंग करते हैं, वही पोजिशनिंग, बेस्ट स्कैनिंग क्या होती है वो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, किस तरह हम लोग कौन कौन से व्यू के अंदर कर देते हैं. ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं, 1300 मेन गेट ब्रेस्ट कैंसर पर ईयर. ठीक है, तो 1/3 डाय, मोस्ट आर 60 ईयर्स और ओल्डर, इनमें 60 प्लस की एज में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, नियरली ऑल आर प्राइमरी ट्यूमर्स. सिम्टम्स इंक्लूडेड निप्पल रिट्रैक्शन, इनमें क्या होता है कि जो है ना, इसलिए कहते हैं कि अबव 60 जो है मेल को भी अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आपका जो निप्पल्स है ना वो रिट्रैक्ट कर जाते हैं, बैक साइड पीछे की तरफ को रिट्रैक्शन हो जाती है उनकी. ठीक है, क्रस्टिंग, उसमें क्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ऊपर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेस्ट में से, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी. दीज आर ऑल द कह सकते हैं सिम्टम्स दैट विल लीडिंग टूवर्ड्स द ब्रेस्ट कैंसर, और इनके चांसेस जो हैं वो 60 प्लस की एज में ज्यादा होते हैं. फुल फील्ड डिजिटल मैमोग्राफी, FFDM, व्हाट इज दिस? ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने अप्रूव किया. इसमें क्या होता है कि डिजिटल इमेजेस आर कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी व्यूड ऑन अ कंप्यूटर. अब जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, हमारे पास हम एनालॉग से, और जो हमारे जो दूसरे समझ लो कि पहले जो थे वो अब ख़त्म होते जा रही हैं चीज़ें, और हम लोग डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना मूव करते जा रहे हैं अपने इमेजेस को भी. ठीक है, जिस तरह अब हमारा मोबाइल है, वही इमेजेस हम मोबाइल से भी लेते हैं. पहले हमारे पास वो कैमरेज होते थे, फिल्म्स होती थी, अब हमारे पास क्या है, सब कुछ जो है वो डिजिटल है. हम जो है वो मोबाइल से भी जो है इमेज लेते हैं, कंप्यूटर पे शिफ्ट करते हैं एंड ऑल दैट. ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी इमेजेस क्या होते हैं, डिजिटली कैप्चर्ड होते हैं, उसके ऊपर फिल्म के ऊपर डिजिटली हमारे कंप्यूटर पर ट्रांसफर किए जाते हैं. हर चीज जो है वो कंप्यूटराइज हो गई हुई है, अब जो है वो हर चीज टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ती जा रही है. अच्छा, जीरो मेमोग्राफी आपने वर्ड सुना, ये भी पहले यूज होता था, अब कम हो गया हुआ. जीरो मेमोग्राफी इज अ फोटो इलेक्ट्रिक मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड एक्सरे इमेज ऑन अ कोटेड मेटल फिल्म. ये पहले होता था, जो हमारे फिल्म्स जो हैं उनके ऊपर केमिकल्स लगा के कुछ, और केमिकल डेवलपर, ड्राई केमिकल डेवलपर, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरह हम फिल्म को डेवलप करते थे, इसी तरह मेमोग्राफी को, जो पहले मेमोग्राफी थी वो, उसको जीरो मेमोग्राफी कहते थे. ठीक है, उस इमेजेस को हम डेवलप करते थे ड्राई केमिकल्स, और उनके थ्रू फिर इमेज को हम क्रिएट करते थे उस फिल्म के ऊपर. समझ आ गए, जीरो मेमोग्राफी जो हमारी मेमोग्राफी का समझ लो पुराना वर्जन था. ठीक है, अर्ली इयर्स में ये उसका इमेज ऐसे नजर आता था. टोमोसेंथेसिस क्या होता है, टोमो का क्या मतलब होता है, जो हम सीटी में भी यूज करते हैं वर्ड सीटी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी का मतलब होता है सीटी, कंप्यूटराइज्ड टोमो का मतलब होता है स्लाइसेस. ठीक है, स्लाइसेस में हम इमेज को अगर व्यू करते हैं, अगर कंप्यूटराइज्ड, तो वो सीटी स्कैन में हम देखते हैं, हम लोग उसको एक्सिलरी जो है ना उसके स्लाइसेस ले लेते हैं. ठीक, डिफरेंट हमारे वो डिफरेंट थिकनेस के स्लाइसेस होते हैं, हम स्लाइस वाइज उसको रीड करते हैं, तो वो हमारे पास उस, इसी तरह जो है हम जो इसके अंदर है ब्रेस्ट के अंदर डिफरेंट 3D इमेजेस क्रिएट करते हैं, हम उसकी स्लाइसेस को भी कट कर सकते हैं डिफरेंट व्यूज के अंदर. ये सारी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे हमारे उसमें आती जा रही हैं. बट व्हाट इज टोमोसेंथेसिस, 3D इमेजेस, और इनको हम टोमो मतलब स्लाइसेस में इसको भी हम रीड कर सकते हैं. ठीक है, किस तरह रेज जो है वो एंटर होंगी और किस तरह हम लोग इमेज को शिफ्ट करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे.
अच्छा, अब आ गया हमारे पास ब्रेस्ट सिंटोमेमोग्राफी. सिंटोमेमोग्राफी के अंदर क्या होता है, ये डिफरेंट हम लोग उसमें भी ये वर्ड सुनेंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर भी, और उसमें भी हम लोग जो चीज इंजेक्ट करके विजुलाइज की जा रही होती है वो डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास डायज हो सकते हैं. अब इसके अंदर भी हम एक इंजेक्शन जो है वो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, जो हम लोग की क्या कह सकते हैं, जिस तरह हम न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को नाम दिया था, मैंने आपको बताया था कि हार्ट के लिए हम मग्गा स्कैन करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट को विजुलाइज करते हैं, और उसके लिए स्पेसिफिक एक हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, और वो उस स्पेसिफिक एरिया को ही हाईलाइट करके फिर हम लोग उसको गामा रेडिएशन के थ्रू उसको विजुलाइज करते हैं. इसी तरह मेमोग्राफी मतलब कि ब्रेस्ट को अगर विजुलाइज करना है ऑन न्यूक्लियर मेडिसिन, तो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि टेक्नीशियम 99 सस्टेमी भी इज टेकन अप बाय द कैंसर सेल्स, ये वाला जो सब्सटेंस है ये हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, और जो कैंसर सेल्स हैं वो इसको क्या कह सकते हैं, इसके अंदर उसकी अपटेक कर लेगा उसके, और हमें इमेज के ऊपर वो उस तरह नजर आएगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिंटोमेमोग्राफी. इट्स अ न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज. न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को हमने डिफरेंट नाम दिए हुए. अगर ब्रेस्ट की इमेजिंग करते हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन, तो दैट इज नोन एज सिंटोमेमोग्राफी. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम लास्ट लेक्चर में हार्मोनल हिस्ट्री था एक पॉइंट, मैम दोबारा से वो रिपीट कर दें. क्या पॉइंट है, सॉरी मैम? हार्मोनल हिस्ट्री का पॉइंट था जिसमें कार्सिनोजेंस के बारे में बताया हुआ था ड्यूरिंग मेनार्क, कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस वक्त, लेकिन वो तो ज्यादा 40 to 50 इयर्स के बाद ही होता मोस्टली कैंसर. मैंने एज के बता, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हो, कि रेडियो सेंसिटिव बता रही हूँ कि किस एज के अंदर जो है वो कौन प्रोन होता है, ये बात कर रही हो एज ग्रुप? नो मैम, हार्मोनल हिस्ट्री में. क्या था पॉइंट जो समझ नहीं आया, हार्मोनल हिस्ट्री क्या थी? मैम लास्ट लेक्चर में लिखा था हार्मोनल हिस्ट्री में मोर सेंसिटिव टू कार्सिनोजेंस ड्यूरिंग मेनार्की. मैम ये नहीं समझ में आया. अच्छा, अब ये क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह मैंने बताया था कि जितने ज्यादा हमारा रिप्रोडक्टिव ब्रेस्ट होगा जिसमें हॉर्मोन्स आपके एक्टिव होते हैं, ठीक है, अब हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं तो हमें पता है कि ये एज ग्रुप इज मोर सेंसिटिव. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना यंगर एजेस को हम रेडिएशन से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनके जो हॉर्मोन्स हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन, हमें उनके क्योंकि उसके अंदर हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, विद एज जो है वो हॉर्मोनल चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं. तो मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो मैं वो समझा रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम इसीलिए यंगर एजेस को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्रेस्ट जो सॉरी प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर जो है ना सिर्फ वाहिद ये जो है ना इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस कम होते हैं, अदरवाइज जो है ना रेडियो सेंसिटिव जो है ना वो हार्मोनल हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज जो है जिसके अंदर हार्मोन्स एक्टिव होते हैं दे आर मोर रेडियो सेंसिटिव. ठीक, तो इस एज ग्रुप को हम लोगों ने रेडिएशन से हमेशा प्रोटेक्ट करना है, लैक्टेटिंग मदर्स और जो वो ब्रेस्ट से तो है कैंसर से तो वो उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोटेक्शन तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लिया. ठीक है, तो रेडियो सेंसिटिव इसलिए जब अगर आप अगर एक्सरे करवाने जाते हैं कोई भी मदर अगर जाती है तो उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, ताकि हम लोग ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकें, इमरजेंसी अगर है तभी एक्सरे करें, अदरवाइज हम आपको अवॉइड ही करें एक्सरे करने से. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. अब क्लास खत्म हो गया तो मेरी बेटी भी चुप कर रखी है. अच्छा, डिस्टर्ब तो नहीं ना हुआ कोई क्लास से? अगर हुआ तो आई एम सॉरी. चलो, नो मैम, नो मैम, नो मैम. बात आपको समझ आ गई सारी? आज की मैम सारा ने जो क्वेश्चन पूछा है
मैम उसका ये मतलब होगा ना कि मेनार्की के टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं वो कार्सिनोजन से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, लेकिन कैंसर जो है वो 40s या 50s में ज्यादा कॉमन होता है, तो मैम ये चीज नहीं समझ आई थी। आवाज मुझे बहुत लो, थोड़ा सा लाउड बोलोगी? मैं कह रही हूँ कि सारा ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उस पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि मेनार्की के टाइम पे कार्सिनोजेंस जो है वो ज्यादा सेंसिटिविटी होती है उनकी, लेकिन कैंसर तो जो है वो 40s या 50s में ज्यादा होता है, तो इसका क्या लिंक हुआ ये समझ नहीं आया था। 40 से 50 की एज में कैंसर तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जो है मैं बता रही हूँ कि कैंसर के ज्यादा होने के चांसेस जो हैं वो जो है क्या के बड़ी एजेस में, मतलब के 50 प्लस हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव नहीं रहते ना इतने, और जितने ज्यादा हार्मोन्स एक्टिव होंगे वो आपको एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, आप फंक्शनल होते हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको एक बैरियर वो समझ लो कि वो आपकी बॉडी में एक बैरियर बना रहे हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इतने एक्टिव होते हैं तो वो आपको बचाते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव भी उतने ही होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो अपनी तरफ से वो दिया ही है एक प्रोटेक्शन, लेकिन वो ऑर्गन्स क्योंकि वो एक्टिव होते हैं तो वो ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होते हैं। रेडियो सेंसिटिव और कैंसर जो है ना वो आप दोनों को मिक्स कर रही हो कि किन में कितने परसेंट चांसेस होते हैं। जो यंगर एजेस होती हैं, जो डेंस ब्रेस्ट होते हैं, जो के हॉर्मोन्स उनमें एक्टिव होते हैं, उनमें वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से, लेकिन हायर एजेस के अंदर जो है वो कैंसर के होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक रेडियो सेंसिटिव है, रेडिएशन से आगे प्रॉब्लम आ सकती है, वो सिर्फ कैंसर नहीं हो सकता, वो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब कर सकते हैं, और डिफरेंट हम लोग जब इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, उसमें आप देखना कि वो सिर्फ कैंसर नहीं बनाए आपको, रेडिएशन से कैंसर सिर्फ नहीं होगा आपको, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए ये ऑर्गन जो है वो सेंसिटिव है टू द रेडिएशन यंगर एज। जो हायर एजेस हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, एक कैंसर है उनकी पॉसिबिलिटी और एक रेडियो सेंसिटिव है जो कि हॉर्मोन जिनमें फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ठीक है, अब मैं आपको इस वीक तक जो है ना आपको एक असाइनमेंट भी देनी है, और आपका वो जो है असाइनमेंट मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट कर दें ताकि कुछ लेक्चर्स हम पढ़ भी लें, और एक कोई असेसमेंट लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी क्या असेसमेंट लेते हैं हम लोग अभी, तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें मैं आपको फिर बता दूंगी। एक असेसमेंट जो है ना अनकरीब तैयार रहना, जितने लेक्चर्स हो चुके हैं तो उसके लिए अब यहाँ क्विज ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कि क्या LMS के ऊपर कोई MCQs दे दूंगी। ठीक है, वो एक हमने असेसमेंट तो अभी ले लें ताकि जो है ना बाकी असेसमेंट जितने सारा पड़ी हुई है वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता तो वो भी करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट मैं फिर अब दे दूंगी आराम से जब आपके पास टाइम होगा, वो भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन मैं भी असाइनमेंट दे देती हूँ अभी या फिर कोई क्विज रख लेती हूँ, मैं आपको डिसाइड करके आपको बताऊँगा। ठीक है बेटा, क्लास जो है ना इंशाल्लाह फिर अब मैं आप LMS के ऊपर नेक्स्ट वो डाल दूंगी, अगर अभी कोई लेक्चर किसी को मिस हो गया तो वो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और अटेंडेंस की टेंशन मत लिया करें आप लोग, काफी बच्चे मुझे कहते हैं मेरे पास जो जूम के ऊपर जो बच्चा शो हो रहा होता है ऑनलाइन वो भी उसी की अटेंडेंस, कई बच्चे कहते हैं कि मैं प्रेजेंट था, मैंने वहीं से देख के लगानी होती है, समटाइम्स वो मेरे पास नहीं नजर आ रहा होता, मे बी वो कोई क्या प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैंने सिर्फ वहां से जूम से कॉपी पेस्ट करके वहां पे आपके अटेंडेंस लगानी होती है। ठीक है, तो अब वो क्या मसला है जूम में, इसी वजह से तो हमने इसकी असेसमेंट नहीं रखी है कि अब मसले आ जाते हैं नहीं अटेंडेंस की वजह से, कोई शो हो रहा है कोई नहीं शो हो रहा, किसी का कुछ मसला है किसी का कुछ, तो अटेंडेंस को सिर्फ आप इसलिए लो कि जो है आप लोगों ने एग्जाम देना है, और अगर किसी का इस तरह मसला आ जाता है कि किसी की एब्सेंट लगी वो मेरे पास जूम के ऊपर शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने जाके जूम की प्रॉपर वो पूरी जो मेरे पास लिस्ट आ रही होती है उसी को अटेंडेंस में लगा देना होगा। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।